कौन सी आत्मा माता का पाठ बजाती? कृष्ण की सोल। हो कृष्ण की सोल इस समय आत्मिक रूप में माता का पाठ बजाई रही है। अपनी सहयोगिनी शक्ति किसके साथ? राधा कहो, ओम राधे कहो, उसके साथ। वो आत्मा है तो जिसमें प्रवेश करती है वो डब्बा है। वो माता गुरु के बगैर उद्धार इसलिए नहीं हो सकता कि बोला हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग के गेट खोलते हैं। ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला नहीं, दाढ़ी मूछ वाले सब पुरुष दुर्योधन दुशासन इस लिस्ट में डाल दिए गए। वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा ही जब शरीर छोड़ने के बाद कोई स्त्री चोले में प्रवेश करके जगदम्बा का रूप धारण करता है, जगत जननी का रूप धारण करता है, तो उस माता गुरु के बगैर उद्धार हो न सके। लल्लो चप्पो माताएं नहीं जो नरक का द्वार खोल करके बैठ जाती हैं। उनमें भी वो माताएं चाहिए जो स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। स्वर्ग का द्वार खोलने वाली जगदम्बा के भी दो रूप हैं। एक मांसाहारी और एक शाकाहारी। जो शाकाहारी रूप है वो छोटी माता भारत माता कही जाती है। उसके साथ स्वभाव संस्कार मिलाने के बाद सौम्य रूप धारण करती है और स्वर्ग के गोए गेट खोलने का निमित्त बनती है। और जो मांसाहारी है वो महाकाली का रूप धारण करती है, असुरों को डाउन करने के लिए विकराल रूप धारणी है। नंगी टांगों के रूप में दिखाई जाती है। मन बुद्धि की स्टेज में वो विकारी नहीं होती, वो निर्विकारी है, इसलिए उसकी पूजा होती है। अगर महाकाली विकारी होती तो उसकी पूजा नहीं होती। उसने शंकर का कार्य संपन्न करने के लिए असुर संहारिणी का ऐसा जानबूझ करके रूप धारण किया ताकि पति के ऊपर कोई आक्षेप ना आए कि षष्ठि का संहार कर दिया। इसलिए मुरली में भी बोला है असुर संहार कारी देवता नहीं गाया हुआ है, शक्तियां गाई हुई है असुर संहारिणी। वो असुरों का उद्धार कर देती है। जिनकी बुद्धि नीचे गड्ढे में पड़ी हुई है, कौड़िया में पड़ी हुई है,
उस कौड़ी से निकाल करके उनकी बुद्धि हीरे में लगाती है, हीरो पाटधारी में लगाती है, इसलिए वो असुर संहारिणी है। लेकिन वो संपन्न रूप नहीं है। संपन्न रूप तब है जब एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बनता है, तो वैष्णवी देवी के साथ मिलकर के स्वभाव संस्कार एक बना लेती है। तो जगत जननी कही जाती है, जग जननी जय जय उमा, जग जननी जय जय उमा पार्वती को कहा जाता है। ओम और उमा, पार्वती पार लगाने वाली है, इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है। कि अब टाइम आ गया, समय आ गया, विजयमाला का आवाहन करो। लेकिन एक कान से सुनते हैं वाणी को, दूसरे कान से निकाल देते हैं। बेसिक नॉलेज में भी अम्मा ही अम्मा याद आती रही, ब्रह्मा ही ब्रह्मा करते करते हार्ट फेल हो गए। और एडवांस नॉलेज में भी अम्मा ही अम्मा, अम्मा ही अम्मा कर रहे हैं। वो अम्मा कैसे गुरु बनती है? वो विकराल रूप अभी समझ में नहीं आया है। सारी ज्ञान की तिया पैंचा करना भूल जाएंगे। ज्ञान जो स्वार्थ पूर्वक सुनाया जाता है, स्वार्थ का मतलब है रथ की इंद्रियों की भड़ास पूरा करने के लिए सुनाया जाता है, वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। माता गुरु कोई भी हो, क्योंकि एक जगत जननी है तो उसकी अनेक भुजाएं हैं। भुजाएं माने मददगार। जो मददगार भुजाएं हैं वो मदद करती है। भुजा अलग चीज है और भुजा को चलाने वाली आत्मा अलग चीज है। भुजाएं जड़ होती हैं और आत्मा चैतन्य होती है। चैतन्य माता गुरु जग का उद्धार करेगी या जड़ भुजाएं उद्धार करेंगी? भुजाओं में भी कोई राइट हैंड है, कोई लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड गंदगी को साफ करने का काम आता है और राइट हैंड से अच्छे कार्य किए जाते हैं दान धर्म के। देवी की राइट हैंड भुजाएं भी हैं और लेफ्ट हैंड भुजाएं भी हैं। जो लेफ्ट हैंड भुजाएं हैं वो महाकाली की सहयोगिनी बन जाती हैं। जो राइट हैंड भुजाएं हैं वो महागौरी की सहयोगिनी बन जाती हैं। महागौरी अर्थात मिस इंडिया, भारत माता। महाकाली अर्थात मिस वर्ल्ड,
जगत की माता, जगत में असुर भी तो देवताएं भी, वो असुरों की भी अम्बा है और देवताओं की भी अम्बा है। जो असुर दूसरे धर्मों से आते हैं या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, भारतवासियों को जन्म जन्मांतर धोखा देते हैं, उनकी भी माता है। माता जैसा पार्ट बजाती है तो बाल बच्चे उसे फॉलो करते हैं। कोई विदेशी बच्चे हैं, कोई स्वदेशी बच्चे हैं। जो विदेशी बच्चे हैं, विदेशी धर्मों से जन्म जन्मांतर प्रभावित होकर के रहे हैं, विदेशी शिक्षा से प्रभावित होकर के रहे हैं, विदेशी सभ्यता से प्रभावित होकर के रहे हैं, वो डाइवोर्स देने और डाइवोर्स लेने की प्रवृत्ति वाले हैं। अनेकों के साथ देह का संबंध जोड़ने वाले हैं। और जो स्वदेशी है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के फॉलोअर्स हैं। राम वाली आत्मा पुरुष रूप में अधूरी पार्टधारी है, ये प्रवृत्ति मार्ग है। अकेले रह करके पुरुषार्थ संपन्न नहीं हो सकता, समान पुरुषार्थ ही चाहिए। तो समान पुरुषार्थी है सीता। जो सीता इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पार्ट बजाती है प्रैक्टिकल में, वो सतयुग के 9 जन्म अलट पलट करने के बाद स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री ऐसे जन्म लेने के बाद त्रेता के पहले जन्म में जाकर के पुरुष रूप धारण करती है, मन त्रेता में राम बनती है। इसलिए शास्त्रकारों ने त्रेता युग के राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पेश कर दिए है। नहीं तो शिव सुप्रीम सोल जिस पतित तन में आता है, पतितों को पावन बनाने के लिए आता है, विदेशी बाप का पार्ट बजाता है। अगर स्वदेशी का पार्ट बजाता तो अनेक बच्चों से मिल भी नहीं पाता, अनेक प्रकार के संबंध जोड़ भी नहीं पाता। इसलिए ड्रामा में ये पार्ट नुधे हुए हैं। जैसे कोई बीज होता है उसके दो दल होते हैं, ऐसे ही ये प्रवृत्ति मार्ग का बीज है, इसके दो दल हैं, दोनों समान पुरुषार्थी हैं। संगम युग में एक दल पुरुष चोला धारण करता है और संगम युग में दूसरा दल स्त्री चोला धारण करता है। एक दाया दल एक बाया दल, स्त्री का रूप वाम मार्गी कहा जाता है। ये प्रवृत्ति मार्ग है। लेकिन बाबा ने मुरली में बोला है शंकर पार्वती को इस समय युगल नहीं कहेंगे। क्या कहा? वो क्या है युगल नहीं है तो है?
अरे ब्रह्मा की औलाद है कि नहीं है अभी है? है प्रैक्टिकल में है या सिर्फ कहने के लिए? प्रैक्टिकल में है तो भाई बहन हुए या युगल हुए? तो जब शंकर पार्वती जैसे फर्स्ट क्लास जो युगल है माला के, वो ही भाई बहन है, तो दूसरे जो रुद्रमाला और विजयमाला के युगल मण के बनने वाले हैं, वो आपस में भाई बहन होंगे और भाई बहन बन करके रहेंगे, या देह के संबंध में आने वाले बनेंगे? भाई बहन बन करके रहेंगे। जो विकृत बुद्धि है वो अपने तरीके से उल्टा ज्ञान उठाती रहती है। विजयमाला रुद्रमाला में भविष्य में युगल बनेंगे वो तो ठीक, कोई तो ऐसे हैं कि रुद्रमाला में जो मण के आपस में भाई भाई के स्टेज में होने चाहिए, उन रुद्रमाला के मणकों के साथ ही युगल का भाव धारण कर लेते हैं, उनका क्या हाल होगा? बाबा तो कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज धारण करनी है, भाई बहन भी नहीं। और भाई बहन की जगह अगर पति पत्नी का संबंध जोड़ना शुरू कर दें तो उनका धर्मराज क्या हाल करेगा? भाव धारण करके बैठते हैं माता गुरु के उद्धारा उद्धार होगा। अरे ये विकृत बुद्धि का मंथन छोड़ देना चाहिए। 70 साल हो गए एक ही बात पढ़ाते पढ़ाते, क्या स्लोगन दिया? पवित्र बनो योगी बनो, और हाँ जी निश्चय माने जन्म और अनिश्चय माने मृत्यु है जी, यहाँ होती है। यहाँ कोई मण के जन्म और मृत्यु का बहुत चक्कर काट रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा जन्म मृत्यु के चक्कर में कौन सी आत्मा आती है? है ब्रह्मा की सोल बल षष्ठी रूपी रंगमंच में उनके 50 साल कम हो गए, फिर भी जन्म मृत्यु का चक्र संगम युग में उनके लिए जास्ती है। अभी भी ब्रह्मा की सोल निश्चय अनिश्चय के चक्र में आ रही है, उनको अभी भी पक्का निश्चय नहीं बैठता है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं बनती है कि गीता का भगवान कृष्ण है या प्रैक्टिकल में शिव शंकर भोलेनाथ है। ये गुत्थी एक बार भी अगर सुलझ गई तो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएगा। निश्चय जन्म और अनिश्चय मृत्यु, किसके ऊपर निश्चय? जो बाप बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में, सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु, इस रूप में पार्ट बजाने वाला है, उसके प्रति अगर प्रैक्टिकल में निश्चय धारण कर लिया कि ये प्रैक्टिकल स्वरूप है और कोई नहीं हो सकता, तो जैसे बाप का बच्चा बन गया, और थोड़ी भी ग्लानी का भाव अंदर आ गया,
अरे ये भगवान नहीं शैतान है, जो मुरली में बोला है। भगवान बाप के पार्ट को विकारी समझने वाले महापापी की लिस्ट में गिने जावेंगे। तो कुछ तो ऐसे हैं जो निश्चय पत्र लिख करके भी दे देते हैं, कोर्ट स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं और फिर ग्लानी करना शुरू करते हैं। वाचा से ही ग्लानी नहीं करते, कर्मेंद्रियों की एक्ट से ऐसी ग्लानी करते हैं, इससे सारा सत्यानाश हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयते कहा जाता है। अरे जिंदा रहेगा तो विजय भी अच्छी है, और मृत्यु हो गई तो हार हो गई। ब्रह्मा की सोल ने शरीर छोड़ दिया, विजय हुई या हार हुई? क्या हुआ, नरसे नारायण बने या नहीं बने? हैं? नहीं बने, हार हो गई। अंत तक मृत्यु पर्यंत निश्चय पक्का बना रहे। माया और मायावी स्त्री पुरुष जो माया को फॉलो करने वाले हैं, वो ऐसी एक्ट करते हैं, ऐसी वाचा बोलते हैं, ऐसे वाइब्रेशन चलाते हैं जिससे दूसरों का निश्चय उखड़ जाए। खुद का तो निश्चय उखड़ा हुआ होता ही है, खुद भी बाप के बच्चे बनकर नहीं रहते और दूसरों को भी बाप का बच्चा बना हुआ नहीं रह देखना नहीं चाहते। अभी अभी पैदा हुए बच्चे जो कहते हैं कि राक्षस राक्षसियां छोटे छोटे बच्चों को खा जाते थे, उन्होंने पूरा पहचाना भी नहीं, दुदमुहे बच्चे हैं। उनके सामने भी बाप की ग्लानी करना शुरू कर देते हैं, ऐसी एक्ट करना शुरू कर देते हैं जिससे उनको अनिश्चय पैदा हो जाता है। बेचारे अभी अभी जिंदा हुए और अभी अभी मृत्यु को पा गए। ये निश्चय अनिश्चय का चक्र ब्रह्मा की सोल को भी चल रहा है। निश्चय बुद्धि तो मस्तक पर अर्ध चंद्रमा के रूप में विराजमान है, और अनिश्चय बुद्धि तो जो लास्ट नारायण बनने वाली आत्मा है उसमें प्रवेश कर जाती है। और है तुम भी मास्टर? हाँ, मुरली की तारीख वारीख बताना पड़ेगा है? कोई मुरली में जगदम्बा बनने का लक्ष्य दिया गया है? कोई मुरली या कोई अव्यक्तवाणी ऐसी है जिसमें जगदम्बा बनने का लक्ष्य दिया हो? नर से नारायण और नारी से
लक्ष्मी बनने का लक्ष्य दिया है, लेकिन जगदम्बा बनने का लक्ष्य नहीं दिया है। जगदम्बा तो असुरों की भी अम्बा बनती है। असुरों की अम्बा बनना अच्छा है, राक्षसों की अम्बा, राक्षस तो अम्मा को भी नहीं छोड़ते। राक्षस माने जानवर बुद्धि, जैसे बंदर होता है, कुत्ता होता है, वो जानता है ये हमारी अम्मा है। अम्मा से भी बच्चे पैदा करता रहता है, उनको कहते हैं जानवर बुद्धि, राक्षस बुद्धि। अभी रूस में जो नास्तिक धर्म फैला हुआ है, वहां बच्चा जन्मते ही राष्ट्र की प्रॉपर्टी हो जाती है, शिशु घर में उसकी पालना होती है, दूसरी माताएं पालना करती है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, हॉस्टल में डाल दिया जाता है, पता ही नहीं उसके अम्मा बाप कौन है। और बड़ा होता है, ट्रेनिंग स्कूल में, हॉस्टल में काम करता है, ट्रेनिंग पूरी होती है, राष्ट्र की सेवा में लगा दिया जाता है। क्या उसे पता रहता है कि हमारी माँ कौन है, बहन कौन है? जब पता ही नहीं है तो संबंध कैसे कैसे जुड़ेंगे? भारत विदेशों को फॉलो करने में सबसे आगे नंबर जाता है। इसलिए कहा कि भारत में भगवान आते हैं, किसकी सेना लेते हैं? बंदरों की सेना लेते हैं। और यमुना के किनारे सरोवर स्थापना होगा, तो यमुना के किनारे स्वर्ग स्थापन होगा। हाँ, यमुना के कंठे पर हाँ नई दुनिया की स्थापना होगी। हाँ जी, हाँ यमुना भी चाहिए, स्थूल में भी चाहिए और चैतन्य में भी चाहिए। 10 वर्ष की जब घोषणा हुई थी कि नई दुनिया की स्थापना होगी, 66 में घोषणा हुई थी ना कि 76 में नई दुनिया की स्थापना होगी, पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो 76 में एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई और यमुना के कंठे पर नए संगठन की शुरुआत हो गई। जड़ यमुना भी थी और चैतन्य यमुना भी थी, वो तो मध्य की बात हुई। एडवांस पार्टी के आज के समय की बात हुई और अंत में अभी फिर अव्यक्तवाणी में बोल दिया। 1-2 साल के अंदर जो अष्ट देवों से खास अव्यक्तवाणी में बात हो रही है उसमें बोल दिया। क्या बोला? नहीं याद आया? नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने तुम बच्चों को दी है ना? क्या रुद्रमाला पहले तैयार होती है ना? तो रुद्रमाला में भी जो सूर्यवंशी मणके होंगे वो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले होंगे या नहीं होंगे? नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले जो श्रेष्ठ मणके हैं,
वो ही अष्टदेव है। तो वो फाउंडेशन भी यमुना के कंठे पर ही होता है। पहले जड़त्व रूप भी होता है, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के गर्भ में पहले जड़ पिंड होता है या उसमें चैतन्य आत्मा होती है, हैं? पहले जड़ पिंड होता है 4-5 महीने तक, उसका फाउंडेशन पड़ता है, उसके बाद चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है। ऐसे ही कोई भी फाउंडेशन डाला जाता है, तो जो पत्थर हैं उनको नींव में डाला जाता है। पत्थरों का फाउंडेशन बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे नई दिल्ली सारी पत्थरों की बनी हुई है, लाल पत्थरों की बनी हुई है, वो तो क्रिश्चियंस ने बनाई थी। अभी नई दुनिया का फाउंडेशन कृष्ण की राशि किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट से, क्रिश्चियन से। तो वो नई दुनिया का फाउंडेशन नई दिल्ली के रूप में क्रिश्चियंस ने डाला था। अभी कृष्ण की सोल के द्वारा, कृष्ण की प्रैक्टिकल पार्ट के द्वारा नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ जाता है। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है ना, उसमें आना जाना करते हो ना? कौन आना जाना करते हैं, है? किससे बात की? अष्टदेवों से बात की, हाँ हाँ जी। सिंगल देवियां और प्रवृत्ति मार्ग वाली देवियां, सिंगल देवियों की जो पूजा होती है वो कौन से युग में होती है? सिंगल देवी हो या सिंगल देवता हो, उनकी पूजा कौन से युग में होती है? तमो प्रधान युग में होती है या सतो प्रधान युग में होती है? तमो प्रधान युग। कलयुग में सीढ़ी के अंदर सिंगल देवी और देवताओं की पूजा दिखाई गई है, उस पूजा का कनेक्शन 1250 वर्ष का जो कलयुग है, वो 1250 वर्ष के कलयुग से ही कनेक्टेड है या संगम युग से है? है? हर आत्मा पहले सतो प्रधान पार्ट बजाती है ज्ञान में आने के बाद, और बाद में तमो प्रधान पार्ट बजाती है। कोई भी आत्मा हो, तो जो सिंगल देवी देवताएं हैं वो कलयुग में जिनकी पूजा होती है वो संगम युग के पुरुषार्थ के तामसी रूप की यादगार है,
या सात्विकी रूप की यादगार है, तामसी रूप की यादगार है। प्रवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है और निवृत्ति मार्ग निष्कष्ट मार्ग है। जो भक्त लोग हैं बड़े जबरदस्त नारा लगाते हैं जय माता दी, क्या उन्हें पिता याद रहता है कि इस माता दी के पीछे कोई पिता दी भी है जो धर्मराज का डंडा लेकर के बैठे हैं? याद रहता है उनको? नहीं याद रहता। बाकी देवियों की पूजा होती है तो जरूर उन्होंने पवित्रता का पार्ट भी बजाया है। सिंगल होते हुए भी मन बुद्धि का लगाव दूसरों के साथ नहीं रहा होगा। मन बुद्धि का लगाव फिर भी किसके साथ? एक के साथ रहा, इसलिए पूजा होती है। और प्रैक्टिकल में भले सहयोगी ना हो लेकिन मन बुद्धि से सहयोगी होती है, इसलिए पूजा होती है। और हाँ जी बिल्कुल, अष्ट नारायण वो हैं जो आधार मूर्तों में से निकलते हैं, जड़ें हैं, और अष्ट रतन वो हैं जो 108 की माला में 12 12 के जो ग्रुप्स हैं उन 12 12 के ग्रुप्स में मुखिया का पार्ट बजाते हैं, वो रतन है। और अष्टदेव वो है जो सिर्फ सूर्य वंश से कनेक्टेड है, जन्म जन्मांतर सूर्य के सहयोगी बन करके रहते हैं, सिर्फ लास्ट जन्म में आकर के नीचे गिरते हैं। क्योंकि नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊपर भी नहीं उठेंगे। और इनमें जो पहला नंबर है तो 76 से कट के हो गया है। इनमें जो पहला नंबर है ना, किन में? अष्टरत्न और अष्टदेव और अष्टनारायण से। अष्टरत्न कहाँ प्रत्यक्ष हो गए? नहीं, पहला नंबर तो कट के हो गया। अष्टरत्न, हाँ, रत्नों में जो पहला रत्न हीरा है वो तो कट के हो गया। 76 वो हीरा तो हीरो पार्टधारी है, उसके बगैर तो कोई कार्य शुरू भी नहीं हो सकता। यज्ञ के आज भी किसके द्वारा होता है? जो यज्ञ का आदि हुआ, रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई, वो किसके द्वारा हुई? हीरो पार्टधारी के द्वारा हुई ना। तो एडवांस पार्टी में भी वो पहले होना चाहिए और विजयमाला में भी उसका पार्ट भल गुप्त हो लेकिन वो सर्वोपरि है। क्योंकि वैष्णवी देवी एडवांस पार्ट, एडवांस ज्ञान को धारण किए बगैर नारायण ही नहीं बन सकती। नई दुनिया की पालना नहीं कर सकती। और एडवांस ज्ञान निकलता ही है एडवांस पार्टधारी के द्वारा, द्वारा अर्थात मीडिया वो बनता है, देने वाला सुप्रीम शिव है। शिव को मीडिया नहीं कहेंगे। और अभी तो बताया कि मन के अंदर कोई समाया हुआ हो और पांव के नीचे कोई पड़ा हुआ हो
तो क्या कहा जाएगा? वो ग्लानी कर रहा है या गायन कर रहा है? जैसे बांदेली माताओं को सिखाया जाता है कि परिवार में सब विरोधी हैं, अज्ञानी हैं, उनके सामने उनको परिवार वालों को खुश करने के लिए जो भक्ति मार्ग की पूजा अर्चना होती है, पांव छूना आदि होता है, अगर वो करती रहे और मन में शिव बाप बाबा को याद करती रहे तो उनका पुरुषार्थ नीचा हुआ या ऊंचा हुआ? ऊंचा पुरुषार्थ हुआ। ऐसे ही महाकाली मन के अंदर श्रेष्ठ भाव धारण किए हुए हैं, लेकिन पांव से शंकर को दबोच दिया, वो भी अज्ञानता के कारण दबोचा है या ज्ञान होने के कारण दबोचा है? कोई न कोई अज्ञान है जिसके कारण पांव के नीचे शंकर को डाला हुआ है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं जब उसे पता चला कि मेरा पांव शंकर की छाती पर पड़ गया तो जीभ बाहर निकल आई, पश्चाताप हुआ। वो पश्चाताप का रूप महाकाली के रूप में आज भी पूजा जाता है। और थोड़ा इतनी जोर से पहुंचा हमारी कान तक आवाज आए। क्या कह रहे हैं ये? कुमार कुमारी अगर सिंगल है तो पवित्र प्रलाप कैसे बजाएंगे? कुमार कुमारी अगर सिंगल है तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग कैसे कहा जाएगा? हाँ जी, जो कुमार हैं, जो कुमारी हैं, वो भाई बहन हैं या क्या हैं? क्या हैं? हैं? भाई बहन हैं। उनका कोई बाप अम्मा है या नहीं है? हैं? है? तो प्रवृत्ति मार्ग में है या निवृत्ति मार्ग में है? हैं? जो असुर होते हैं उनकी बुद्धि आसुरी चलती है। ये अम्मा बाप याद ही नहीं रहते उनको, माता पिता की गोद में रहना ये बुद्धि में बात ही खिसक जाती है। और हाँ जी, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात नंबर वार होती रहती है। हाँ जी, हैं? हैं? ज्ञान सूर्य के द्वारा? हाँ, ये महीना क्या होता है? हाँ, सूर्य की किरणें नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में नहीं पहुंचती, इसलिए वहाँ अंधेरा रहता है 6 महीने तक। और सूर्य की किरणें जब पहुंचती हैं नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में तो वहाँ लगातार 6 महीने दिन रहता है। हाँ जी, हाँ, यहाँ अभियान सूर्य जब प्रत्यक्ष होगा तो दिन ही दिन हो जाएगा।
अभी तो ब्रह्मा की रात चल रही है या ब्रह्मा का दिन हो गया? अभी क्या है? अभी ब्रह्मा की सोल अंधेरे में है या उजाले में है? अभी पढ़ाई पढ़ रही है या पढ़ाने वाली है? पढ़ने वाली। तो अंधेरे में है ना। तो ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने वाला प्रैक्टिकल में कौन होगा? ब्रह्मा की रात को प्रैक्टिकल में शरीरधारी कौन होगा जो ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनावे? है? हाँ, ज्ञान सूर्य बाप का पार्ट धारी जो होगा वो ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने वाला होगा। माना एक ही आत्मा पार्ट धारी ऐसा है प्रैक्टिकल में जो अज्ञान अंधेरे में नहीं आता और बाकी सब अज्ञान अंधेरे में आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की गोद में पलने वाले सब बच्चे हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात और ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन हो जाएगा। अभी सब ब्राह्मण अंधेरे में हैं। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाएंगे। दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन। अभी ब्रह्मा की सोल, दादा लेखराज की सोल, कृष्ण की सोल, प्रैक्टिकल में चैतन्य ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली है या नहीं है? किस रूप में बजावेगी? दाढ़ी मूछ के रूप में तो उसकी पूजा नहीं हुई, तो वो रूप कौन सा होगा जो ब्रह्मा जगदम्बा के रूप में पूजा जावेगा? जो मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा है तुम्हारी जगदम्बा, दोनों शब्दों के अर्थ एक ही है, चाहे जगदम्बा कहो चाहे बड़ी अम्मा ब्रह्मा कहो, तो वो ब्रह्मा का रूप कौन सा होगा जो पूजा जावेगा? दादा लेखराज के रूप में तो नहीं पूजा जाता है, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती, तो कौन से रूप में पूजा जाता है? जगदम्बा के रूप में। हाँ जी, हैं? कौन? वो तो हाँ, क्यों बंधा हुआ है? कोई बंधन में क्यों रहता है? हैं? ड्रामा के बंधन में तो मैं भी बांधा हुआ हूँ, लेकिन मैं जो बांधा हुआ हूँ उस रूप में जो बांधा हुआ हो करके भी पार्ट बजाता हूँ वो श्रेष्ठ पार्ट बजाता हूँ या निष्कृष्ट पार्ट बजाता हूँ? कैसा पार्ट बजाता हूँ? श्रेष्ठ पार्ट बजाता हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि कोई बंधन में बंधा हुआ है तो निष्कृष्ट पार्ट ही बजाता रहे। ड्रामा आगे रखना है पीछे? ब्रह्मा ने कभी ड्रामा को आगे रखा या पीछे रखा? जो बीत गया वो ड्रामा या जो आने वाला है वो ड्रामा? तो तुम क्या कह रहे हो अभी? हाँ जी,
हाँ, ब्रह्मा को दोष क्यों दे, तो पहले अपने को दोष दे ना। है ब्रह्मा की बात अलग छोड़ दो, पहले हमारे लिए तो ज्ञान सूर्य उदय हो गया ना, हमने तो निश्चय पत्र लिख के दे दिया स्टाम्प पेपर पे। नहीं नहीं नहीं, चलो ब्रह्मा को छोड़ दो, तो कमजोर आत्मा है, बच्चा है, बेबी बुद्धि है। हम तो रुद्रमाला के मणके हैं, हम बेबी बुद्धि तो नहीं है, हम बेबी बुद्धि नहीं है, हम तो सालिम बुद्धि है। तो पहले हमें परिवर्तन होना चाहिए या बेबी बुद्धि को परिवर्तन होना चाहिए? है नहीं बाबा, हम नहीं परिवर्तन होंगे, तो हम होंगे तभी वो होगा। आ गए हैं लेकिन अनिश्चय में तो नहीं आते, निश्चय है, लगातार निश्चय रहता है। ध्रुव तारे मिसल अटल अखंड डोल, माया डुलाती तो नहीं है, माया डुलाती है तो कहाँ निश्चय रहता है, है? क्यों का तो सवाल ही नहीं, ये तो ड्रामा बना हुआ है। क्यों का सवाल थोड़ा ही होता है ड्रामा में, कि सृष्टि क्यों नीचे जाती है, ऊपर ही बनी रहे, क्यों गड्ढे में जाती है, क्यों का सवाल ही नहीं है। हाँ जी, कौन भाई? बाबला हाँ। खेती में थे, हैं? खेती में थे, जो खेती में काम कर रहे थे ना, वो आए थे अभी। बाबला भाई, बाबला हाँ। कौन से गांव के? बैरमपुर के, बैरमपुर के। हाँ, वो लिस्ट बांध रहे हैं, बांट रहे हैं 108 माला का, 108 के माला के मणकों की लिस्ट छपा करके बांट रहे हैं, पूरा लिस्ट बना दिया। और उसमें फ्रॉम एड्रेस और टू एड्रेस क्या लिखते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कैसे? फ्रॉम एड्रेस लिखते हैं, एनएस माने नया संगठन, ताकि सबको विश्वास हो जाए कि ये नए संगठन की ओर से ये माला बना के दी गई है। क्या कोई साधारण संगठन के द्वारा नहीं दी गई है? और उसमें जो ठप्पा लगा हुआ होता है पोस्ट ऑफिस का, वो गंजम का लगा हुआ है, वो उनको पता ही नहीं रहता। और उन्हें ये भी पता नहीं है कि अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला हुआ है कि बाप दादा कागज पर या बोर्ड पर लिख करके नहीं बतावेंगे कि तुम्हारा ये नंबर है, तुम्हारा ये पार्ट है। तो बाप दादा नहीं बतावेंगे तो जरूर कोई धूर्ती बतावेगा ना। अरे बाप दादा पार्ट नहीं बतावेंगे, बाप दादा ने तो बता दिया अपनी चलन से और अपने चेहरे से, अपने आप को प्रत्यक्ष करेंगे और बाप को भी प्रत्यक्ष करेंगे। तो ये नाम डाल डाल करके, ये राम बाप के बाद उनका नाम रख दिया, ज्ञान चंद्रमा का जो पहला मणका है, एक साथ में अभी अव्यक्त वाणी में बोला है बातें तो बहुत आवेंगी, वो जो बातें आवेंगी वो बातें श्रीमत के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, वो टैली करना है। ये भी एक बात सामने आई कि 108 मणकों के नाम छपा करके चारों तरफ भेज दिए गए और अपना मूल एड्रेस और नाम गुप्त कर दिया, तो कोई चोर होगा या कोई साहूकार ऐसा करेगा? है अव्यक्त वाणी के ऊपर विश्वास है? है, है विश्वास अव्यक्त वाणी के ऊपर विश्वास है या नहीं? तो अव्यक्त वाणी में तो बोल दिया मैं नहीं बताऊंगा, बाप दादा नहीं बतावेंगे। क्या बोलते हैं? बाप दादा नहीं बताएंगे तो कोई तो निमित्त बनेगा ना, तो इसलिए हम भी निमित्त बनते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी तो बताया
कि अपनी चलन और चेहरे से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे। जैसे राम वाली आत्मा अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करती है, कृष्ण की सोल अपनी चलन से अपने पार्ट को, मृदुल पार्ट को प्रत्यक्ष करती है, करती है ना। तो पहले अपना पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे कि सबके पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे? तो फालतू बातों में नहीं जाना। जैसे पोस्ट कार्ड में लिफाफा में वो एड्रेस लिख करके भेज रहे हैं। हाँ सब, मैंने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, बाबा का सीमत नहीं है, भाई बहन को, छोटे छोटे भाई बहन को ऐसे मत बताओ, वो बिगड़ जाएंगे। तो आप बाबा को पूछ सकते हैं, हम नए संगठन की तरफ से बोल रहे हैं, भेज रहे हैं। तो बाबा तो कैसेट में बता दिया ना अब है, अब फिर क्या? तुमको अपनी बुद्धि से क्लैरिफाई नहीं होता है, जो जैसे कहेगा वैसे ही मान लेंगे। फिर कितनी बार बाबा ने बोला, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। किसी ने कह दिया इनका शिवाजी का पार्ट है, बस उनको शिवाजी मान लिया। ओ भाई, मेरे नाम मेरे और एक भाई जो शरद भाई है, दोनों का मन के में लिस्ट करके इसलिए आपको विश्वास हो गया, इसलिए थोड़ा सोच रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। नहीं, हो भी सकता है, क्यों मेरा नाम आया, फूल के गरगोटा हो गए। अरे उसी समय काट देना चाहिए, और उस बात को तुम यहाँ सारी सभा में सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसी आलतू फालतू बातों को तुरंत कट करो, नहीं तो आने वाले पेपर में फेल हो जाएंगे, दुनिया भर की बातें आएंगी सामने। अभी भारत के अंदर दर्जनों विष्णु तैयार हो रहे हैं।